बायोकॉन में कल गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग है, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन ये जो तीन कंपनीज और है, मंगलम, ब्लिस, जीवीएस एंड अनुफार्मा, इसमें आपको कहीं स्ट्रेंथ दिखती है? मुझे लगता है कि पहले बायोकॉन पे ही बात कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और गैप के साथ खुला है, तो जिन्होंने कल शॉर्ट किया था वो ट्रैप होते नजर आ रहे थे, और जब खुला उसके बाद जो करेक्शन आया उसका छोटा सा करेक्शन आ गया, उसके बाद वापस यूटर्न ले लिया। तो मेरा मानना है कि बायोकॉन अभी भी बाय किया जा सकता है, 339 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट लिए 355। और एक शेयर मैं आपके सामने और रख दूं जो थोड़ी देर पहले बायोकॉन हमको बताया थे, हम फार्मा के शेयर डिस्कस कर रहे थे, वो शेयर अब 10% ऊपर आ चुका है। बायोकॉन के शेयर के अंदर भी स्ट्रांग मूव आया है। अभी अभी हमने जो चार फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पूछी थी, किरण ने एक ही शेयर चुना था बायोकॉन, और उसके अंदर भी तेज मूव आते हुए दिख रहा है। ये शेयर अब करीब 10% ऊपर आ चुका है, तो ये कमाई का सौदा बंद नहीं कर रहे हैं, ये चल रहा है, ये सिलसिला आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये रिकमेंडेशन अभी अभी हमने आपके सामने रखी है।